क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर डी, ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई एफ विथ मेजर एंगल डी बराबर कुछ दीजिए 90 डिग्री। ट्रायंगल डी ई एफ डी ई एफ एंगल डी बराबर कुछ डिग्री है और लिखी था 90 डिग्री। ये कुछ ट्रायंगल गई, ये गई राइट आंसर राइट एंगलर ट्रायंगल क्या कुछ ट्रायंगल गई, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू कुछ डिग्री यहाँ कुछ डिग्री शाबाश 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू कुछ डिग्री यहाँ पर है 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। हम एंगल ई एंगल एफ डिग्री 90 डिग्री मगर अलग अलग मगर अत यह शरत तो एंगल राइट एंगल मज डिग्री 90 डिग्री ठीक। इसके बाद ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड विथ मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड मगर यह करें क्यों बेस ऑफ क्या करोगे एक्स वाई तो वाई जेड क्या लिखे एक्स जेड और एक्स वाई यहां पर क्या है एक्स वाई और क्या है वाई जेड अत मे तमज साइड पान वो इक्वल साइड लखन तुम हिम साइड मगर ट्रायंगल में जब आप ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप लोग क्या करोगे आप ऊपर से यानी जो बेस है बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर सपोज हम हेकन इक्वल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मगर इसने यहां पर क्या लिखा है इसने लिखा है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इस तरह पानी लिखो ये जब आप ये करोगे कंस्ट्रक्ट आपको खुद ये काम करना है तो हिम साइड सपोज 5 सेंटीमीटर या 5, 4, 6, 3, 2 ये मर्जी गए अच्छा और लिखित बाउंडेशन कहीं मगर ये साथ और दिख तथा वन गिवन जब वहां पर दिया गया है ये कैसा और दिख तथा वन गिवन मतलब गो ये और आम सवाल मज दिन तथा वन गिवन यह अलग लैंग्वेज जोमेट्रिकल लैंग्वेज अलग लैंग्वेज यत क्या कर मगर अत शरत यहाँ पर क्या इसने कहा है इस एंगल वाइज बनाउन कस डिग्री सपोज ऐसे एंगल वाइज बनाउन कस डिग्री अमज साइड आ पानी बराबर यम सात ये बनाउन 90 डिग्री अत बराबर कुछ एंगल वाई ये गोस एक्स ये गोस जेड ये वो शरत थर्ड साइड बोर्ड मतलब ये नमज साइड नमो एक्स वाई एंड वाई जेड राइट एंगल ट्रायंगल करो कंस्ट्रक्ट द थर्ड साइड इज मोर देन द टू साइड सपोज अगर यह 4 सेंटीमीटर यह 3 सेंटीमीटर हो 8 सेंटीमीटर बाई क्या है पाइथागोरस थ्योरम ये सात बढ़ो आगे जाकर हम लोगों ये आपको किस में 11th और 12th में आएगा यानी यह
وہاں پر یہ کام آئے گا آپ کو کون سی، یعنی پایتھاگورس اس تھارم سے ونان اے بی برابر بی سی یہاں پر پلس سی اے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا کل۔